देखो फल दिए थे, पंच दिए थे, इसी चैप्टर से ना मेन बात है, इसी चैप्टर से ना मेन बात है, पंच से बताए थे क्या, वो पंच बताए थे चार को, चार को था ना टाइम, क्या को बताए थे तीन को, तीनों को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा, क्या वो टेंस निकल के आया, बारह को टेंस निकल के, जैसे सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और टाइम तीन को प्रेजेंट पास्ट और तीनों को इसमें कैलकुलेशन करके पढ़ेंगे हो जाएगा। जैसे सर पहला स्टार्ट किए थे कौन सा, सिंपल स्टार्ट किए है ना सर जी, सिंपल में बोले थे तीन को टाइम होगा, क्या वो टाइम कौन कौन, सिंपल प्रेजेंट है ना बोलेंगे, उसका दूसरा क्या हो जाएगा सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, तीसरा क्या हो जाएगा सिंपल फ्यूचर, यही तीनों टेंस हो गया तुमको, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। इसका याद करो क्या बताया था, भर्ता क्या मां भर्ता का पहला या पांचवा, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भर्ता का पहला या पांचवा, सिंपल पास्ट टेंस में भर्ता दूसरा, सिंपल फ्यूचर में शैल बोलिए, या तो शैल बोलिए सर, या तो क्या बोलिए आप, यू विल विल बोलिए, भर्ता क्या मां, ये सेम मॉडल से तो है, सिंपल फ्यूचर बोलो या शैल विल मॉडल्स वाला वही बात नहीं है, नया चीज नहीं। अच्छा ये तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर बताए थे छह होता है, क्या होता है कौन कौन, पहला क्या होगा पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, चौथा पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्वेश्चन का, क्वेश्चन का नेगेटिव, देखो पॉजिटिव का नेगेटिव, क्वेश्चन का, क्वेश्चन का नेगेटिव, फिर डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच, फिर छठा डब्ल्यू एच का नेगेटिव, और इसका मतलब देखो कॉन्सेप्ट देख लो, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तीसरा पॉजिटिव चौथा नेगेटिव पांचवा पॉजिटिव छठा नेगेटिव, मतलब तीन को पॉजिटिव है तीन को नेगेटिव, हां ये पॉजिटिव है, ये भी क्या पॉजिटिव है, यहां लगा दे तो नेगेटिव, लेकिन हम लोग बोलते नहीं, बोलते इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव रियल में क्या, इंट्रोगेटिव प्लस पॉजिटिव वाला पांचवा है ना, ये आगे जानेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना, पहले हम 12 टेंस का ए को जान लेंगे, देखो हर टेंस में 6 को होगा, हर टेंस में क्या होगा 6 होगा, तो टोटल क्या को टेंस निकाले थे 12 को, 6 से गुणा कर देंगे तो 72 को नहीं हो जाएगा, मतलब 72 को स्ट्रक्चर पढ़ना है, टेंस पढ़ना है 12 को, और एक टेंस में 6 को पढ़ना है, तो 12 को टेंस में क्या को पढ़ना पड़ता है 72 को स्ट्रक्चर जान लिया तो तुमको बेसिक टेंस, कौन टेंस आ जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर तुमको होता है क्या वो 72 और एडवांस तुम जितना पढ़ो और उसमें से निकलता है छिल करके, लेकिन सारा निकलता क्या चीज है भाई, बेसिक समझ में आएगा वही हेर फेर कर सकता है, बेसिक ये नहीं करता हेर फेर, उसी में हेर फेर करके बनता है, जैसे जैसे बोलेंगे व्हाट डू यू नो, इसका हिंदी हो जाएगा आप क्या जानते हो, व्हाट डू यू नो आप क्या जानते हो, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसी का एडवांस बनाएंगे तो बोलेंगे व्हाट यू नो, व्हाट यू नो आप जो जानते हो, आप क्या जानते हो आप जो जानते हो, तो ये बेसिक से ही बना, क्या किए बेसिक में से दो हटा दिए, मैंने एडवांस बन गया, समझा कोई नया बात की है कि बेसिक में से क्या हटा दिए, अब तुमको पहले बेसिक के भी नहीं करता तो हटाने के बाद कहाँ से आता, ठीक है, अब देखो ये सिंपल प्रेजेंट का था ना, मैं खेलता हूँ मैं खेलता था मैं खेलूंगा, एक एक एग्जांपल देख लो क्या हो जाएगा भाई, इसमें हो जाएगा मैं खेलता हूँ, क्या बनेगा इसमें बनेगा आई प्ले, क्लियर है, कल बता चुके, इसमें क्या हो जाएगा मैं खेलता था, इसका क्या हो जाएगा प्ले, भर का क्या मां, क्लियर है, इसमें क्या हो जाएगा मैं खेलूंगा, क्या हो जाएगा आई सेल, ठीक है ना, अब तुम एग्जांपल जितना चेंज कर दो, मैं खेलता हूँ मैं जैसे मैं लिखता हूँ मैं पढ़ता हूँ मैं पढ़ाता हूँ सब आ जाएगा, सब किसका हो जाएगा, मतलब ताते ती के साथ है और रहे तो सिंपल पढ़ लो, ताते ती के साथ थाते थी रहे तो पास्ट सिंपल पास्ट सिंपल पास्ट, और ताते ती नहीं हो गागे की आ जाए वहाँ क्या हो जाएगा सिंपल, आ गया समझ में, दिक्कत होगा ना, सिंपल पढ़ तीन वो टाइम सीखे ना, क्वेश्चन तो होगा एग्जाम्पल तो भी होगा, एक्सरसाइज होगा, आओ आ जाओ दूसरा उठाते,
तीनों टेंस याद भी होगा, नाम भी याद हो गया ना। अगला देखो कॉन्टिन्यूस, अगला कौन देख लो तुम, कॉन्टिन्यूस भी क्या क्या होगा, वही तीन को बांटो, सब टेंस को ऐसे ही तीन को बांटेंगे, कोई भी टेंस हो तो चार को बोले थे ना, चारों को ऐसे ही तीन तीन करके बांटते थे, एक को बांटना जैसे वैसे बांटे, इसमें भी क्या हो जाएगा प्रेजेंट, इसमें क्या हो जाएगा पास्ट, इसमें क्या हो जाएगा ना, हो गया सर तरीका बताइए बताने बनाने का। देखो कंटिन्यूस है दूसरा, अच्छा एक बात और याद कर लो, कंटिन्यूस का मतलब भर का चौथा फिक्स है, रट लो, कभी भी भर का चौथा हो समझ जाना कंटिन्यूस टेंस है, कौन टेंस है याद रहेगा, भर का चौथा कैसा दिखता है, बी वन में क्या लगा देते हैं आईएनजी, मतलब बी वन प्लस आईएनजी उसको क्या बोलते हैं, और नाम देंगे उसका क्या नाम है, नाम क्या है, और वो कंटिन्यूस में प्रेजेंट भी होगा पास्ट भी होगा और फ्यूचर भी होगा, तो सर कैसे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर करेंगे, इज एम आर के साथ करेंगे तो प्रेजेंट हो जाएगा, ये बी फोर इज एम आर के साथ करेंगे तो प्रेजेंट, वाज वेयर के साथ करेंगे तो पास्ट, और सेल्फी विल बी के साथ करेंगे, बताओ क्या बनेगा इसका, पहले इज एम आर के साथ करें, इज एम आर एम आर का क्या मान, अच्छा भारत का चौथा एम में आएगा, सब में आएगा पास्ट वाला बोलो तो वाज वेयर प्लस बी फोर, या वेयर प्लस भारत का क्या मान, अच्छा फ्यूचर वाला बोलो तो सेल ली या विल बी प्लस भारत का क्या मान, ओके अब देखो एग्जांपल के देखो इसी को ला रहे, मैं खेलता हूं ना इसमें आ जाकर रहा रही कंटिन्यूस में कौन क्या हो जाता है, रहा रही हो जाता, रहा रही रहे सब हो जाता है, ठीक है ना, जैसे मैं खेल रहा हूं हिंदी हिंदी मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा था और मैं खेलता रहूंगा, जैसे देखो मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था, मैं जाता रहूंगा, ऐसा है ना, तुम बोलो हिंदी बोलो इसमें, मैं लिखता नहीं हुआ, मैं लिख रहा हूँ, तुम बोलो इसमें, हाँ इसमें बोलो, हाँ इसमें गा गई, रहा रही के साथ गा गई, रहा रही के साथ खाते थे, रहा रही के साथ है ऐसा ना, रहा रही है ना, तो रहा रही एक मिश्रित होगा के सब में, लेकिन इसमें हो वाला, इसमें इसमें हो वाला, इसमें हो वाला, तो हो वाला में कौन कौन आता, हो है जी है ये सब होगा, खाते थी गागे जी, ठीक है ना, हाँ रहेगा हो जाएगा, ठीक है, अब एग्जाम्पल अब हिंदी दिखाते हैं, जैसे मैं खेल रहा हूँ क्या बनेगा, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा था आई वाज प्लेइंग, मैं खेलता रहूंगा आई शैल बी प्लेइंग, समझा कंटिन्यूस का टेंस कैसे बनाएंगे तो बताओ, कौन नाम कैसे बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस नाम याद, नाम प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस, दिन हो जाएगा इसका इसका नाम बताओ, इसका नाम ऐसे नहीं बोलते, प्रेजेंट सिंपल ही बोलते, मतलब इसी बाकी समय सीधा रहता है, पहले बोलेंगे प्रेजेंट, पहले टाइम, पहले क्या बोलेंगे टेंस, फिर बोलेंगे टेंस, पहले बोलेंगे टाइम फिर बोलेंगे टेंस, इंपाला बना में पहले टेंस और फिर क्या बोलेंगे, देखो प्रेजेंट सिंपल नहीं बोलते, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, लेकिन कंटीन्यूअस बना में प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस फ्यूचर कंटीन्यूअस, और लास्ट में क्या बोलेंगे टेंस, बारहों के लास्ट में क्या बोलेंगे, अभी बोले तो फायदा नहीं है, फिक्स है ना, होगा ना, अच्छा एग्जांपल देखते हैं, तीनों एग्जांपल देखते हैं, बताओ इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जांपल बताओ, पहला क्या था, मैं खेल रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस खेल रहा था होगा, मैं खेल रहा हूं, नहीं ना होगा भाई, क्या बनेगा, आई एम प्लेइंग, पास्ट कंटिन्यूअस का बताओ, मैं खेल रहा था, कौन से एग्जांपल बनाओ, मैं खेल रहा था, क्या बनेगा, आई वाज प्लेइंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस का बताओ, मैं नाचूंगा, मैं नाचता रहूंगा, मैं नाचूंगा, तो इसमें आ जाए, फ्यूचर में दूंगा, देखो यहाँ भी फ्यूचर है, यहाँ भी फ्यूचर है, लेकिन उसमें गा भी इसमें, ये फ्यूचर होगा सीधे, मैं नाचूंगा, ये होगा मैं नाचता रहूंगा, कंटिन्यूअस वाला फ्यूचर, सिंपल वाला फ्यूचर, कंटिन्यूअस वाला फ्यूचर में रहा रही आएगा कि नहीं आएगा, रहा रही आएगा, तब मैं नाचूंगा मैं रहा रही है, मैं नाचता रहूंगा मैं है कि नहीं, आराम समझो, तो नाचता रहूंगा इसमें आएगा, नाचूंगा इसमें आएगा,
इसका एग्जांपल वही बोलो, मैं नाचूंगा नाचूंगा, ठीक है ना। अच्छा इसका एग्जांपल मैं नाचता रहूंगा, हां मैं नाचता रहूंगा। बता दोनों में अंतर है कि नहीं? वही तो सीखना है, वही अंतर तो सीखना है। तो दोनों एक ही तरीके से बनेगा? नहीं बनेगा अलग। इसका क्या बनेगा? आई शैल डांस। इसका कैसे बनेगा? अंतर है कि नहीं? जब इसमें भर का क्या मान है? चौथा है ना भाई, यहाँ पे देखो भर का क्या मान है? तो चौथा वाला कौन टेंस होता है? एग्जाम में बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पूछेगा टेंस सेंटेंस देखो, जैसे ये पूछेगा कौन टेंस का? पास्ट कौन टेंस होता है? बारह को वैसे नाम बताना, पास्ट टेंस कुछ होता है? ये को बताना, कौन एक होगा ना? सिंपल का है कि कंटिन्यूअस का? किसका है? देखो ना, देखो लिखा है साफ साफ, देखो इसी में लिखा है, देखो बता दो कैसे निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं? देखो ये भर्ब का चौथा है ना, इसको कौन टेंस बोलते हैं? ये तो समझ में आ गया कंटिन्यूअस का है। आई बताओ इजमार होता है प्रेजेंट का, बाजवेर होता है पास्ट का, इजमार किसका? बाजवेर सेल्विन फ्यूचर का। तो बता इजमार है कि बाजवेर की सेल्विन है? बाजवेर किसका है? बस नाम लिखा है साफ, वो भरवे में नाम छुपा रहता है, पास्ट कंटिन्यूअस नाम पकड़ है ना। तो नाम कैसे हम लोग पकड़ते हैं, देखते हैं भर्ब को, तो देखे वी बोर्ड समझ के कंटिन्यूअस बनाओ, फिर देखे ई जमान के साथ। अब बताओ या देखो ई जमान, ये कौन टेंस? ये वाला कौन प्रेजेंट कंटिन्यूअस? ये कंटिन्यूअस ई प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। आ देखो ई वाला कौन टेंस? देखो ना कंटिन्यूअस आई फ्यूचर सेल्विन द फ्यूचर कंटिन्यूअस। छाप लेगा आप? अच्छा ना, तो इसको छाप अच्छे से। सो एग्जांपल इज बुक कुछ हम पांच नंबर डाल देते, क्या हुआ? 3 6 3 9 10 2 9 10 2 और 5 6 7 8 10 हां 10 नंबर डालते, बाकी तुम कुछ बनाए बन जाएगा सर। ब्रेन नहीं है मैं खाता हूँ, क्या बनेगा? आई है पूछेगा हिंदी में, अगर पूछेगा जहाँ हिंदी का एग्जाम होगा ना, हिंदी में पूछेगा लिखा रहेगा कौन टेंस, लेकिन हिंदी में लिखना रहता है, हिंदी में वर्तमान काल ऐसा ना पूरा हिंदी। हाँ सिंपल प्रेजेंट ऑप्शन रहेगा, आई लिखा रहेगा तब ऑप्शन रहेगा सिंपल प्रेजेंट, हिंदी में लिखा रहेगा। हाँ रहता है वीर का एग्जाम देते हैं वो क्वेश्चन रहता है, हम लोग पढ़ते हैं क्या होगा? वी कौन टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट तुम लोग खेलते हो क्या होगा? यू प्ले। टेंस बताओ? सिंपल प्रेजेंट। आप लोग गाते हो क्या बनेगा? यू सिंग। यू सिंग। टेंस बताओ? सिंपल प्रेजेंट। वो पढ़ता है कौन टेंस? सिंपल प्रेजेंट। ही रीड की रीड्स? ही रीड्स। सिंपल प्रेजेंट। मैं खा रहा हूं। आई एम ईटिंग। आई एम ईटिंग। टेंस बताओ? कंटिन्यूअस। मैं गया था। सिंपल पास्ट में वाज गया था, सीधे भी सीधे भी ना कौन टेंस? सिंपल पास्ट। सीता आई, सीता केम, आई आई थी, एक बात है ठीक है, केम से नहीं केम। वी टू आता है? हाँ वी टू में ऐसा लगता है। अच्छा वह मेरे पास आया, ही केम। अब कम के बाद टू लगाते हैं तो कम का दोनों रूप रहे, टू आएगा या कम केम टू मी कौन टेंस? सिंपल पास। सिंपल पास। सिंपल पास। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं खा रहा था। आई वाज ईटिंग। आई वाज टेंस बताओ? सिंपल पास। सिंपल पास। सिंपल पास कंटिन्यूअस। पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस। बस ऐसे ही याद करना, बी वन बी पर कौन टेंस? सिंपल पास्ट। बी टू कौन टेंस? पास्ट। सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट। आवाज वेयर प्लस बी फोर सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर। सिंपल पास्ट। ई जमान प्लस बी फोर सिंपल पास्ट। कुछ मत बोलो, यही चार टेंस था। देखो यहाँ बी वन है, बी वन है, बी वन है, बी वन है, बी फाइव है, बी वन बी फाइव है,
कौन टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस ना हो गया। इसमें देखो कंटीन्यूअस है इजामार के साथ, इजामार के साथ कंटीन्यूअस कौन हो जाएगा? देखो इजामार के साथ बीपोर, इजामार के साथ पास्ट, इजामार क्या होता है? प्रेजेंट की पास्ट के तरह प्रेजेंट बीपोर कंटीन्यूअस, तो प्रेजेंट ना कंटीन्यूअस ना। समझ के बनाएगा तो दिक्कत नहीं होगा, कुछ बोलेगा तो गलती होगा ही ना, कभी कभी सही हो जाएगा। देखो कुछ बोलेगा कभी कभी सही हो जाएगा, लेकिन कभी कभी सही होगा ना, एक बार देख लेगा तो कभी कभी हो जाएगा हमेशा। देखो बी टू बी टू बी टू तो बी टू तीन को, तो बी टू कौन? सिंपल ए हो गया वाजपेय के साथ बी फोर, वाजपेय के साथ बी फोर कौन हो जाएगा? जो लिखा है स्ट्रक्चर में क्लियर है। छो टेंस पर है, बारह टेंस का नाम लिख लेगा सब आदमी, नाम लिखे लाएगा, लिख लिया। बारह टेंस का क्या लिखेगा? नाम। बारह टेंस का काम में छह को टेंस का काम जान गया ना, तो छह को टेंस का स्ट्रक्चर लिखेगा, जैसे चार को यही लिखा है, चार टेंस का स्ट्रक्चर लिखेगा। जो सिंपल में तीन को स्ट्रक्चर लिखेगा, कंटिन्यूस में तीन को स्ट्रक्चर लिखेगा, दो काम कर दिया। और प्लस एग्जाम्पल तुम जितना बना लेगा, एग्जाम्पल या एक्सरसाइज कोई भी एक बुक का टेंस का खोज करके, जो टेंस नहीं बनाया है पढ़ा है वो मत बनाना, बन भी नहीं करेगा। और तुम बना लेगा परफेक्ट टेंस का, चुका चुकी लाइब्रेरी ने बताया है, चुका चुकी बात नहीं बनाना। तुम बना सकता है, क्वेश्चन कैसा देखेगा? मैं खेलता हूँ, मैं खेलता था अब मैं खेलूंगा बनेगा, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा था अब मैं खेलता रहूँगा बनेगा। इच्छाओं को टाइप माइकल तो और छो टाइप बता दिए, कल बारह टाइप हो जाएगा है ना, इस जितना प्रैक्टिस कर लेगा। टेंस हो गया तो सीधे ग्रामर चैप्टर स्टार्ट होगा।